अगर रावण से सीख ली ये 10 बातें तो जरूर होंगे सफल। रावण महापंडित था, वेद ज्योतिष तंत्र और योग का ज्ञाता था। वह युद्ध और मायावी कला में भी पारंगत था। रावण में कई बुराइयां थी तो कई अच्छाइयां भी थी। हालांकि रावण से बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। किसी भी इंसान को कम से कम रावण की इन बातों को तो जरूर जानना चाहिए। जब रावण मरने वाला था तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ इसके पास जाकर कुछ शिक्षा ले लो। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। तब लक्ष्मण रावण के चरणों में बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो कि जीवन में सफलता की कुंजी है। पहला बात, शुभस्य शीघ्रम। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए। अर्थात मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका, उनकी शरण में आने में देर कर दी, इसी कारण से यह मेरी हालत हुई है। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो यह हाल नहीं होता। दूसरा नंबर, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि अपने प्रतिद्वंदी अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल गया था कि मैंने जिसे साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। 3 नंबर, कोई तुच्छ नहीं होता। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख यह दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध न कर सके ऐसा वर मांगा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी गलती हुई। इसके अलावा रावण से और भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। शक्ति का पूजक था रावण। रावण मानता था कि शक्ति ही सब कुछ होती है, जिसके दम पर धन सेहत ज्ञान और संसार की सभी वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। रावण हर समय अपनी शक्ति को बढ़ाता रहता था। उसका मानना था कि शक्ति योग्यता से जन्मती है। हालांकि रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसका घमंड शिव जी ने तोड़ दिया था, तब उन्होंने शिव जी की स्तुति की थी। शक्तियाँ 2 तरह की होती है, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण एक त्रिकालदर्शी था। उसे मालूम हुआ कि प्रभु ने राम के रूप में अवतार लिया है और वे पृथ्वी पर राक्षस विहीन करना चाहते हैं। तब रावण ने राम से बैर लेने की सोची। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनवाना चाहता था। वह स्वर्ग में से ही सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। रावण की वेदशाला थी जहां तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेदशाला में दिव्य रथ का निर्माण कराया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। रावण तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। उल्लेखनीय है कि तप का प्रथम रूप संकल्प और व्रत है। जो व्यक्ति संकल्प और व्रत साथ लेता है वह हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। संकल्प और व्रत के अभ्यास से ही तपस्वी बना जा सकता है। रावण का मानना था कि कोई एक ही इष्ट होना चाहिए। देवों के देव महादेव सर्वोच्च है। वह शिव जी का परम भक्त था। जब रामेश्वरम में प्रभु श्री राम के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी तब किसी विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। बहुत खोज करने के बाद पता चला कि रावण से बड़ा कोई पंडित ही नहीं है। ऐसे में उसके पास आमंत्रण भेजा गया। चूंकि रावण शिव भक्त था इसलिए उसने अपने शत्रुओं का भी आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। हालांकि इस संबंध में और भी कथाएं प्रचलित है। रावण कवि संगीतज्ञ वेदज्ञ होने के साथ साथ वह आयुर्वेद का भी जानकार था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारी कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। रावण जब किसी कार्य को अपने हाथ में लेता था तो वह उसे पूरी निष्ठा लगन और जोश के साथ संपन्न कर देने तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। यही कारण था कि वह अनेक तरह के ज्ञाता और मायावी बन गया था। वह अपनी इस ताकत के बल पर ही संपूर्ण धरती पर राज करने का सोचने लगा था। उसने कई युद्ध लड़े, अभियान चलाए और निर्माण कार्य किए। यदि व्यक्ति में किसी कार्य को करने के प्रति लगन नहीं है तो वह कोई भी कार्य जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएगा।
इसलिए रावण से जुनूनी होना सीखना चाहिए। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसने ही शिव की स्तुति में तांडव स्तोत्र लिखा था। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृतिक कामधेनु, प्राकृतिक लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणियम, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण में पुस्तकों को पढ़ने और पुस्तक लिखने की रुचि थी। प्रत्येक व्यक्ति में पुस्तकों को पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। पुस्तकें हमारी अच्छी शिक्षक और मार्गदर्शक होती है, यह हमारी बुद्धि को तेज करती है। तो दोस्तों यही थी रावण की 10 बातें। ऐसे में अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाएं, ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल पाए।